ये अमीरुन्निसा का एरिया जहाँ का आज हम ब्लॉग बना रहे हैं और अमीरुन्निसा की मार्केट के बारे में आपको बताएंगे और दिखाएंगे आपको। आइए आगे चलते हैं। देखिए मार्केट में बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। हेलो भाई, कैसे हैं आप? दुकानदारी कैसी चल रही है आपकी? सही है जी, सही है। लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आपको कैसा महसूस हो रहा है? जिस तरह से पहले दुकानदारी हुआ करती थी? नहीं, वो तो नहीं है, बहुत ज़्यादा से बहुत ज़्यादा से बहुत ज़्यादा। उम्मीद है कि दिवाली आ रही है, दुकानदारी कैसे? हाँ भाई, यही उम्मीद है कि अब दिवाली का वक्त है तो थोड़ा बहुत सही हो जाएगा हमारा। क्या नाम है आपका? मीर। मीर, लेकिन मीर साहब ने बताया कि उम्मीद है इनको कि दिवाली के बाद दुकानदारी उठ जाएगी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से और लॉकडाउन की वजह से दुकानदारी में वो मज़ा नहीं है जिस तरह से पहले था और दुकानदारी पहले हुआ करती है। भाई क्या हाल है आपके? दुकानदारी कैसी चल रही है? मार्केट में तो सन्नाटा लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? तो थोड़ा सन्नाटा ही है, खैर काम में इतना खास मज़ा नहीं। वजह क्या है? पता नहीं, लॉकडाउन का भी है। हाँ, लॉकडाउन का भी, लॉकडाउन का सर है, उसका भी बहुत ज़्यादा सर है। दूसरा चीज़, लोग अभी दहशत में ही जी, अच्छे से निकल नहीं रहे। दूसरी चीज़, सालक नहीं है, शादियां नहीं है, लोगों ने थोड़ी रिस्पॉन्ड कर रही है, इसलिए भी थोड़ा भी है। जिस शादियों में 500-1000 लोग आया करते थे, वो 50 लोग कर रहे हैं भाई। एक अगर एक शादी हो रही है तो उसमें 2000 घर करते हैं काम। देखिए आपने सुना भाई, आपका नाम क्या है भाई, बताइए? मोहम्मद सवाली। मोहम्मद सवाली साहब बता रहे थे कि लोग सालक चल रहा है, सालक नहीं चल रहा है। शादियों में जो लोग खरीदो फरोख्त किया करते थे और जहाँ जिस शादी में 1500 लोग आया करते थे, अब वो 50, 30, 35 लोगों में शादियाँ हो रही हैं। फंक्शन में 30-35 लोग आते हैं। क्या नाम है भाई आपका? अर्शद। अर्शद, अर्शद भाई क्या नाम है आपका? ये आप दुकानदारी कैसी चल रही है आपकी? आजकल मार्केट काफ़ी स्लो है और उम्मीद करते हैं दिवाली के बाद थोड़ा सा उठने का, या उसके आसपास उठने के कुछ चांस कर लेते हैं। दिवाली से आपको उम्मीद व्यवस्था है कि उठेगा, जो दुकानदारी उठाएगी? वजह क्या है जो कि दुकानदारी नहीं हुई? लेकिन कोरोना भी इतना बड़ा, ठीक है, डिजास्टर चला हमारे साथ, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है और लोगों को निकलने में थोड़ा सा खौफ रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन स्लोली स्लोली पूरा सिचुएशन हैंडल हो रही है और उम्मीद आने वाले टाइम में चीज़ें। क्या नाम आपका? कस्तूरा। कस्तूरा साहब बता रहे थे कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से सिचुएशन बहुत ख़राब है, लेकिन उनको उम्मीद है कि थोड़ी तक दुकानदारी अच्छी हो जाएगी। ये अलीगढ़ एक और शोरूम, लेडीज एंड जेंट्स शोरूम, आइए अंदर जाके जायजा लेते हैं। आइए इनके मालिक से बात करते हैं। हेलो भाई, कैसे हैं आप? जी हेलो, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? शबाब साहब। दुकानदारी कैसे चल रही है आपकी? लॉकडाउन जैसे खत्म हुआ है, इससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है 10-20% का। मगर किस नाम से है आपकी शॉप? यूनिक डिपार्टमेंट स्टोर अमीरुन्निसा से बनाई। तो किस किस्म के आपके यहाँ कपड़े मिलते हैं, लेडीज जेंट्स या बच्चों के? तमाम डिपार्टमेंट स्टोर है जिसमें मेंस वुमेंस और किड्स ऑल ब्रांड्स सारे मिलते हैं। और लास्ट 27 ईयर से हम गारमेंट्स से, और जब से बिजनेस स्टार्ट किया, जब से सबसे स्लो मूवमेंट अक्टूबर का महीना, ये सबसे स्लो है, कभी इतना अक्टूबर में बिजनेस इतना स्लो नहीं है। और लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया। देखिए ये बता रहे थे कि जब तक कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से दुकानदारी नहीं हो रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है दुकानदारी के अंदर,
चलिए आशा करते हैं कि आइंदा कमिंग फ्यूचर आपकी दुकानदारी अच्छी हो और लॉकडाउन खत्म हो जाए, हालात अच्छे हो जाए। थैंक यू। अमीरुल निशा की ये न्यू फैशन पॉइंट। ये एक और शॉपकीपर से बात करते हैं। हेलो भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोरोना वायरस की वजह से अब हालात अच्छे हो रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन कस्टमर नज़र नहीं आ रहे हैं मार्केट में, इसकी वजह क्या है ज़रा सा बताइए। नहीं, कस्टमर तो नज़र आ रहे हैं सर, दूसरी चीज़ ये है कि लोग कोरोना वायरस की वजह से, ये तो वक्ती तौर पर था और रहेगा थोड़े बहुत दिन, पर ये चलता रहेगा जीवन में उतार चढ़ाव, आने वाले वक्त में और बेहतर होगा और चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं लोग, उस पर अमल भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की वजह से जो उन्होंने कहा है उसी पर चल रहा है और बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, अब थोड़ा सा सुधार हुआ है इसमें। कस्टमर्स बहुत कम बाहर निकल रहे हैं उसकी वजह तो निकल रहे हैं, जरूरत जब होती है तो जरूर निकल रहे हैं, जरूरत के तहत अब तो निकलना हो रहा है कस्टमर का, मार्केट में सन्नाटा, कुछ कस्टमर्स बहुत रोल चौल कर रहे हैं। बाबा क्या बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं आप? ये कैसे चल रहा है आपका सब्जी का? अभी तो मंदा चल रहा है, मंदा चल रहा है काफी। कितने कमा लेते हैं आप? आप कमा रहे हैं बहुत रहा, 200-300 अभिकता है जी, 50-60 रुपया हो जाता है, 200-300 अभिकता है, 50-60 कमा लेते हैं। जी हाँ। कितने बच्चे हैं? बच्चे छह बच्चे हैं जी। क्या नाम है आपका? सलीमुद्दीन। देखिए ये सलीमुद्दीन साहब जो है ये बुजुर्ग, ये सब्जियां बेच रहे हैं और 200-300 रुपये सब्जियां लाते हैं, बता रहे हैं और 50-60 रुपये कमा लेते हैं। आप लोग मेहंदी लगाते हैं? ये मेहंदी शॉप मार्केट पर कब से बैठते हैं आप लोग? 20-25 साल हो गए आपको तो। आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है, कैसी बैठी है कुछ मेहंदी काम, कैसे चल रहा है आपका? वजह क्या है? कोरोना वायरस की वजह से ये मेहंदी वाले भी बेचारे बैठे हुए हैं कि कस्टमर आए और हम मेहंदी लगाएं और कुछ पैदा करें, लेकिन कोई कस्टमर नहीं। और लोग बता रहे हैं ये आपकी दुकानदारी कैसे चल रही है आपकी, आपने बहुत अच्छे गिलास और क्रॉकरी लगाई हुई है यहाँ पर। काम बहुत अच्छा चल रहा है, इसका मेरी दुकानदारी नहीं सी जी। वजह क्या है? पता ना क्या है, पब्लिक तो पैसे नहीं लग रहा मुझे। अच्छा, बिल्कुल भी सील नहीं है अभी, बोनी नहीं हुई। बोनी तक नहीं हुई, बच्चों को गुजारा कैसे करते हैं आप? वही चल रहा है, ठंडा गरम ठंडा गरम चल रहा। आपने देखा कि बेचारे परेशान है दुकानदार, और अपनी अपने बारे में बता रहे थे कि किस तरह से इनकी दुकानदारी चल रही है, बिल्कुल बॉनी तक नहीं हुई है। हेलो भाई, कैसे हैं? क्या काम करते हैं आप? मैं कलर का काम करता हूँ। कलर का काम कर रहे हैं, कैसे चल रहा है आपका काम? डाउन चल रहा है। मार्केट में सन्नाटा, कुछ कस्टमर्स ठेलों पर या शॉप पर नजर आ रहे हैं। आप क्या खरीद रही हैं बेटा? हेलो, आप क्या खरीद रही हैं? ब्रेसलेट देखिए मुख्तलिफ किस्म के ब्रेसलेट्स और हार गुंडे वगैरह बेच रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका? शायद नाम है, अभी कुछ थोड़ी सी, हेलो शायद नाम है जी, अभी कुछ थोड़ी सी रौनक सी बड़ी है मार्केट में, क्योंकि त्योहारों का सीज़न है और अभी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आगे भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा, लेकिन एहतियात रखें, सभी लोग एहतियात रखें, हम भी एहतियात रखेंगे, मास्क लगा हुए हैं। शुक्रिया। ये आप लेडीज़ खास तौर से ये बताइए कि आप मेरे निशा की मार्केट से ही खरीदने क्यों पसंद करते हैं तमाम चीज़ें, इसकी वजह क्या है ज़रा सा बताइए प्लीज़। जी जी, यूनिक चीज़ मिलती है, यानी क्वालिटी मिलती है या क्या वजह है? क्वालिटी अच्छी होती है और पसंदीदा चीज़ मिल जाती है। आप स्टूडेंट आप लोग? गुड। हेलो, पराठे बेच रहे हैं आप जी? कैसा चल रहा है आपका?
पहले से बेहतर है? बहुत बढ़िया। चल लॉकडाउन पहले थे लगा 4-6 महीने आप ये बंद रही होगी आपकी, तो आपको गुजारा कैसे चला उसमें? दाल रोटी जी। बेटा पढ़ाई कैसी लग रही है आपको? टेस्टी है। दिल्ली से बताइए, अपना नाम बताइए दिल्ली से। मदीहा। मदीहा नाम है आपका। आप ये रोज पढ़ाई खाती है? नहीं। पहली बार खा रही है आप? नहीं, जब भी खाती है आप लोग। कौन सी क्लास में आप? थर्ड। थर्ड में। गुड।